हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं फैजान खान दोस्तों, आज आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों ये देखिए, हमारा बोला 5-10 साल चलेगा। दोस्तों अब शुरू करेंगे हम आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हमने ये एक बल्ब और एक ये कंडेंसर लिया है 3.5 MFD का। दोस्तों इससे दोस्तों ये ट्रिक अपनाएंगे तो हम दोस्तों ये हमारा बल्ब कम से कम 5-10 साल से पहले नहीं फूकेगा। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले ये कंडेंसर और ये बल्ब है, और दोस्तों इसके अब हमें किस तरीके से कनेक्शन करना है। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। होल्डर को इसमें ऐसे लगा लेना है, और कुछ हमें दोस्तों इसमें वायर के टुकड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। 3 टुकड़ों की वायर के इनमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अभी मैं इसको आपके कनेक्शन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इसके हम कनेक्शन शुरू करते हैं। देखिएगा दोनों इसके हम होल्डर के स्क्रू ढीले करने के बाद में दोस्तों अब इसके हम वायर से कनेक्शन करेंगे। रेड वाला वायर दोस्तों हम यहाँ पर लगा कर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इस तरीके से देखिएगा, हमने इसको ऐसे टाइट कर देना है इस तरीके से। अब देखिए दूसरा वायर लेंगे दोस्तों हम, ये ब्लू वाला। इसको ब्लू वाले वायर को दूसरी साइड में हम इसको इस तरीके से अच्छे से टाइट करेंगे। इस तरीके से देखिएगा, हमने इसको टाइट कर देना है। इस तरह टाइट हो चुका है दोस्तों। इसका हम जो ढक्कन है होल्डर का उसको लगाएंगे इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, हम इसका ढक्कन को लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ढक्कन लगा देना है। इस तरीके से हमारा देखिए ढक्कन ये लग चुका है। अब दोस्तों आगे देखिए हमें करना क्या है। अब देखिए इसको हमने बल्ब को होल्डर में लगा लिया है। दोस्तों ये ट्रिक आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है 3.5 MFD का है, 3.15 का। दोस्तों अभी एक रेड वाले वायर में उसको कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ देंगे, और फिर इसके इस तरीके से जोड़ने के बाद में इसको टेप कर देंगे अच्छे से। इस तरीके से इसको दोस्तों में टेप कर देना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको टेप कर दिया है। अब ये हमारा दूसरा कैपेसिटर का वायर बचा है दोस्तों, उसमें हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, और ये वायर का टुकड़ा दोस्तों इसमें हम इस तरीके से लगा देंगे। इसको भी अच्छे से टाइट करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमने इसको टाइट कर दिया है। दोस्तों इसको भी हम टेप कर देंगे इस तरीके से। देखिए इसको हमने टेप कर देना है अच्छे से। दोस्तों टेप को अच्छे से लगाना है जिससे हमारा हाथ लगने पर वायर पर करंट ना लगे। तो इस तरीके से दोस्तों अच्छे से हमें इसको टाइट कर देना है। दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारे ये कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों ये वायर का कोई माइनस प्लस का सिस्टम नहीं होता, कोई सा कैपेसिटर का तार कोई सी भी साइड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन दोस्तों मुकम्मल हो चुके हैं पूरे। अब दोस्तों इसको हम आपको चेक कर कर दिखाएँगे। देखिए दोस्तों, हम इसको बोर्ड में इसके वायर लगा देते हैं इस तरीके से। दोस्तों हम बोर्ड में वायर लगाएंगे, देखिएगा इसमें वायर लगा दिए हैं। दोस्तों इसको हम ऑन कर कर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको ऑन कर दिया है। दोस्तों इससे हमारा बल्ब फ्लेक्सिबल भी नहीं करेगा, और इसकी लाइफ भी बन जाएगी। अगर हमारा बल्ब 1 साल चल रहा है दोस्तों, ये कैपेसिटर लगाने के बाद 5-10 साल से पहले ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये कैपेसिटर का काम होता है, ये झटके को भी रोक लेता है। अगर बिजली बाई चांस तेज़ आती है तो ये कैपेसिटर उसको झटके को रोक लेता है, और उससे हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।